बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ़ महमूद आपसे मुखातिब हूँ, उम्मीद है खुश वकुर्रम होंगे। हमारा आज का लेक्चर साले अव्वल उर्दू की गज़ल, मौलाना हसरत मोहानी की दूसरी गज़ल। दूसरी गज़ल का पहला लेक्चर हो चुका, अगर आपने समाप्त नहीं किया समाप्त कर लीजिएगा, जिसमें हमने मौलाना हसरत मोहानी रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन का तारुफ़ देखा और मुख्तसर गज़ल का तारुफ भी देखा। मैं मुख्तसर सा दोहरा दूँ, पहली और दूसरी गज़ल में बड़ा फ़र्क है। पहली गज़ल इश्क मजाजी का रंग लिए हुए है, यानी इश्क मजाजी की गज़ल है, लेकिन दूसरी गज़ल जो हम पढ़ रहे हैं ये मुकम्मल तौर पर सियासी रंग लिए हुए है। आपने देखा कि आप मकबूल शायर भी हैं, सियासतदान भी हैं। दूसरी गज़ल मजमू तौर पर सियासी रंग लिए हुए है, गज़लें मुसलसल है। मौलाना बड़े अहम लीडर सियासतदान थे मुसलमानों के, वो इस चीज़ पे बहुत दुखी है कि कौम ख्वाबे गफलत का शिकार है। याद रखिए, आज़ादी भीख में नहीं मिला करती, आज़ादी ताकतवर से छीनना पड़ती है। तो मौलाना हसरत मोहानी की ये इस्लाही गज़ल, जिसको मोटिवेशनल आप कह लें, वो कौम को ख्वाबे गफलत से जगा रहे हैं, कौम में आज़ादी का जज्बा पैदा कर रहे हैं, आज़ादी की उमंग पैदा कर रहे हैं, कौम को कुर्बानियों के लिए तैयार कर रहे हैं। ये थी दूसरी गजल। इसके पहले दो शेर हम कर चुके हैं पहले लेक्चर में, तीसरे शेर से शुरू करते हैं। ताबा कजा हूं दराज सिलसिला हाय फरेब, जब्त की लोगों में ताब देखिए कब तक रहे। ताबा कजा दूर दूर तक ताहद नजर दराज फैले हुए, सिलसिला हाय हाय जमा का सीगा है, जो जमा का नाव फरेब धोखा, यानी अंग्रेजों के धोखे, अंग्रेजों के मकरो फरेब का जाल बहुत फैला हुआ है। वो मकरो फरेब करते चले आ रहे हैं और हम उनके मकरो फरेब का मुसलसल शिकार हो रहे हैं। क्या मकरो फरेब थे? अगर आप माजी के दरीचे में झांकें तो यहाँ जब मुगलों की हुकूमत थी उस वक्त बरे सगीर एक खुशहाल मुल्क था, इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। अंग्रेज ताजर बनकर आए और किस तरह आए, इस मुल्क पर कब्जा कर बैठे। उन्होंने क्या चालाकी इख्तियार की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ल में आए थे, अब सब जानते हैं, और तिजारत पर छा गए, लोगों के दिलों पर भी छा गए चालाकी से। किस तरह से? मैं आपको सिंपल मिसाल दूं, अगर यहां का ताजर एक चीज बनाता है, बनाने में उसका 100 रुपए खर्चा आता है, तो कम से कम 110 या 120 की बेचेगा। अंग्रेजों ने क्या किया? 100 जिस चीज पर खर्चा आते वो 50 रुपए की बेची। यहां के लोग तो बहुत खुश हो गया कि वाजीवा मजा हो गया, चीजें अच्छी क्वालिटी की भी मिल रही हैं और सस्ती भी मिल रही हैं। वो अंग्रेजों के मकर फरेब को समझ ही ना सके कि इस बहाने वो अपने पंजे गाड़ रहे हैं। वो तो पूरे मुल्क पर कब्जा कर गए, ताजर बन कर आए, पूरे मुल्क पर कब्जा कर गए। ये मकर फरेब था अंग्रेजों का, जिसको यहां के लोग समझ ना सके। और इस तलबा जहन में रखिए, ये मकर फरेब आज भी जारी है। उस वक्त भी मकरो फरेब था, आज क्या? अमेरिका, बरतानिया, इस्तेमाली ताकतें आज भी हैं। आप अगर पिछले 4-5 साल की बैन अल-अक़वामी तारीख देखें तो वो इस्लामी मुल्क ईरान है, इराक है, शाम है, लीबिया है, इस सारे मुल्क, अफगानिस्तान है, ये सारे मुल्क कौन से हैं? जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, ऐसे तेल निकलता है। अंग्रेजों को दौरा पड़ा जमहूरियत का, इन मुल्कों पे आए और आवाम को कहा हम आपकी हमायत में आए हैं, जमहूरियत बहाल कराएंगे, और किया क्या? यहां से सारा तेल निकाल कर ले गए। बहाना क्या बनाया? बहाल ये जमहूरियत। तो वो मकरो फरेब आज भी कायम है। तो मौलाना हसरत मोहानी कहते हैं कि देखिए मजीद उनके मकरो फरेब कब तक जारी रहेंगे, और जब्त की लोगों में ताप देखिए कब तक रहे, कब तक लोग जब्त करते रहेंगे, बर्दाश्त करते। हमने पहले लेक्चर में तफसील से देखा कि कब तक रहे के दो मतलब है। एक तो है कब तक रहे, हम नहीं जानते, इस रदीफ का मतलब हम नहीं जानते कब तक रहे, लेकिन एक मतलब यह भी है कि आखिर कब तक रहेगा। एक दिन जुल्म को खत्म होना है, जुल्म की एक हद होती है, उससे आगे जुल्म नहीं बढ़ता। तो मौलाना ये कह रहे हैं कि कब तक हम उनके मकर फरेब का शिकार रहेंगे, हमें उनके मकर फरेब के जाल से बाहर निकलना होगा, खुद कोशिश करनी होगी, आजादी के लिए उठना होगा, वरना हम और हमारी आने वाली नस्लें हमेशा हमेशा के लिए यूं ही गुलाम रहेगी। मफहूम देख लीजिए तीसरे शेर का। अंग्रेज हुक्मरानों के मकर फरेब आखिर कब तक जारी रहेंगे, और बरे सगीर के मुसलमान
कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे, इस मकरो फरेब का कब तक शिकार रहेंगे। तफसील से बात हुई, हवाले के शार देखिए। हिंदुस्तान की दौलत तो हिकमत जो कुछ के थी, जितनी भी थी और बहुत ज्यादा थी, हिंदुस्तान की दौलत तो हिकमत जो कुछ के थी, काफिर फरंगियों ने बतदबीर खींच ली, यहां के सारे वसाइल को लूट कर ले गए। आज भी बड़ी अजीब बात है, यहाँ के भोले भाले लोग आज भी अंग्रेजों की तारीफ करते हैं, अंग्रेज बहुत अच्छे थे, यहाँ रेलवे का जाल बिछा दिया। अब उनको कौन समझाए, रेलवे का जाल हमारे लिए नहीं बिछाया था, इसलिए बिछाया था कि यहाँ के सारे वसाइल बरतानिया ले जाए जा सके, इसलिए बिछाया था, हमारे भले को नहीं बिछाया था। लेकिन उनका मकरो फरेब था जिसका लोग शिकार थे, और कुछ लोग अब तक शिकार है उस मकरो फरेब का। जुल्म की एक हद होती है, अभी आपको बताया, एक वक्त आता है जुल्म खत्म हो जाता है, तो शायरी ही कह रहे हैं कब तक रहे, आखिर एक टाइम खत्म होगा। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, खून की कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती। आलमी तारीख गवाह है कि जिन कौमों ने जान की परवाह ना की, कुर्बानियां दी, उनको आजादी की नेमत हासिल हुई। खुद बड़े सगीर की मिसाल ले ले कि जब मुसलमान कौम ख्वाबे गफलत से जागी, बेदार हुई, उन्होंने कुर्बानियां दी, तो फिर दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत हासिल कर ली बड़े सगीर के मुसलमानों ने। और शेर देखिए, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, लचक फ्लेक्सिबिलिटी, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इतना ये उभरेगा जितना के दबा देंगे, जितना दबाने की कोशिश की जाएगी उतना ही उभरेंगे। तो अंग्रेज जो जुल्म और सितम कर रहे हैं, ये लावा पक रहा है मुसलमानों में, और जब लावा फटेगा तो सबको बहा कर ले जाएगा। यानी शायर को यकीन है कि जल्द हम उनके मकरो फरेब से बाहर आ जाएंगे। मौलाना की शायरी भी यही है, वो मुसलमानों को अंग्रेजों के मकरो फरेब से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ तकरीरें की, गजलें कहीं, नज़में लिखी, जिसके नतीजे में खुद मौलाना असरत मानी को बहुत दफा जेल जाना पड़ा, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी, चक्कियां पीसनी पड़ी, कैद बाबू शक्कत काटनी पड़ी, लेकिन वो बाज ना आए, आवाम के लिए, हकूक के लिए आवाज बुलंद करते रहे, गलत को गलत कहते रहे, बड़े सगीर के मुसलमानों को ख्वाबे गफलत से जगाते रहे। और फिर बहरहाल उनकी कोशिशें बराबर साबित हुई और पाकिस्तान बना। मौलाना असरत मानी उन खुशकिस्मत शायरों में से जिन्होंने इस ख्वाब को पूरे होते भी देखा। बढ़ते हैं जी आगे चौथे शेर की तरफ। पर्दाए इस्लाह में कोशिश तखरीब का, खलके खुदा पर अजाब देखिए कब तक रहे। ये वही बात जो मैंने अभी आपसे की, पर्दाए इस्लाह में वो कहते हैं तो हम तो आपकी इस्लाह करने आए हैं। कुरान पाक की आयत है कि वो जो जमीन पर फसाद करते हैं, जब उनसे पूछा जाएगा तो वो कहेंगे हम तो इस्लाह करने वाले हैं। तो वही बात, वो पर्दे इस्लाह में अंग्रेज हमारे बही खा बनकर आए थे, वेल विशर बनकर आए, बजाहिर दोस्त बनकर आए, हालांकि ना हमारे दोस्त थे, ना हमारे दोस्त हैं, ना वो हमारे दोस्त हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया, ये यहूदो निसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन हम फिर उन्हीं को दोस्त बनाए हुए हैं। तो देखिए, आज भी वो जो हमने अल्लाह के हुक्म से बगावत की है, उसकी सजा आज भी भुगत रहे हैं। पर्दा इस्लाम में कोशिश है तकरीब का, ये तकरीब कार है अंग्रेज हुक्मरान, तकरीब कारी करने आए हैं, हमें लूटने आए हैं, हमारे वसाइल को लूटने आए हैं, और बजाहिर क्या कहते हैं, हम तो आपकी इस्लाह करने आए हैं, हम तो आपसे दोस्ती करने आए हैं, दोस्ती की आड़ में हमें लूट कर ले गए। खलके खुदा पर अजाब देखिए कब तक रहे। मौलाना हसरत मौली फरमा रहे हैं, दरअसल अल्लाह का अजाब है जो हम पे आया हुआ है, हमने अल्लाह और रसूल से रिश्ता तोड़ लिया है, हम इस्लाम से दूर हो गए हैं, तो अल्लाह ने हम पे अजाब नाजल किया कि हम उनके गुलाम बने हुए हैं, हमें अपने इस्लाम को दुरुस्त करना होगा, अपने आमाल को दुरुस्त करना होगा, अपने कौलोफेल को इस्लाम के मुताबिक ढालना होगा, ताकि अल्लाह का अजाब हमसे टल जाए। बात को समझिए, अल्लाह का अजाब आप कोशिश नहीं टाल सकते, दुनियावी अजाब को आप टाल सकते हैं, लेकिन जो अल्लाह का अजाब, उसको आप दुनियावी कोशिश नहीं टाल सकते, सवाए इसके कि अल्लाह से मगफरत तलब करें, तो अल्लाह खुद उस अजाब को टाले। तो मौलाना फरमा रहे हैं, ये अल्लाह का अजाब है जो हम पर आया हुआ है, और किसको अजाब कह रहे हैं, कि वो दोस्त बनकर आए हैं
और पक्के तकरीबकार हैं, दोस्ती की आड़ में हमसे तकरीबकारी कर रहे हैं और हम उनके जुल्म सितम का शिकार हैं, हम उनके फरेब में आए हुए हैं। मफहूम देखिए चौथे शेर का, अंग्रेज हुक्मरान खैर खाही के पर्दे में तखरीबकारी में मसरूफ है, अल्लाह की मखलूक पर ये अजाब कब तक मुसल्लत रहेगा, कब तक, आखिर कब तक। खूबसूरत शेर जी, हवाले की देखिए, अच्छा है अहले जोर किए जाएं सख्तियां, जोर जुल्म सितम को कहते हैं, अहले जोर जुल्म करने वाले, अच्छा है अहले जोर किए जाएं सख्तियां, फैलेगी यूं ही शोरश हुब्बे वतन तमाम, यानी सख्तियां करें ठीक है, जब तक मुसलमानों पे सख्ती नहीं होगी वो ख्वाबे गफलत से जिगा नहीं जागेंगे। यानी वो कह रहे हैं बेहतर है कि अगर वो सख्तियां नहीं करेंगे तो हम तो हमेशा यूं ही गुलाम रह जाएंगे, वो सख्तियां इस हद तक करें ताकि वो मुसलमान जो ख्वाबे गफलत का शिकार है वो उठ खड़े हों। जब तक, एक ही बात मैं आपसे बार बार अर्ज कर रहा हूं, जब तक मुसलमान ख्वाबे गफलत से नहीं जागेंगे आजादी नहीं मिलेगी। मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं आपसे, आजादी भीख में नहीं मिला करती, ये ताकत के जोर पर छीनना पड़ती है, इसके लिए कुर्बानियां देना पड़ती हैं। और शेर देखिए जी, दौलत हिंदुस्तान कब्जाए अगयार में, अभी आपको बताया हिंदुस्तान तो सोने की चिड़िया था, बड़ा दौलतमंद मुल्क था, दौलत हिंदुस्तान कब्जाए अगयार में बेअदो बे हिसाब देखिए कब तक रे, इसी गजल का शेर आपकी किताब में शामिल नहीं है, मैं आपको सुना दूं कि दौलत हिंदुस्तान कब्जाए अगयार में बेअदो बे हिसाब देखिए कब तक रहे, कब तक वो हमसे मकरो फरेब करते रहेंगे, दोस्ती के पर्दे में दुश्मनी करते रहेंगे, और कब तक हम इसको इसका शिकार रहेंगे। और शेर देखिए, देते हैं बात बात पर इंसानियत का दर्श, देते हैं बात बात पर इंसानियत का दर्श, दिल में हजार दशनाओं निश्तर लिए हुए, दशना छुरी चाकू निश्तर तीर, के वो बही खा नहीं है बजाय रब, वो जो इंसानियत की बात करते हैं खुद इंसानियत का मुजाहिरा नहीं करते। आप आज भी देखिए अमेरिका जो आलमी हकूक का चैंपियन बना हुआ है, दुनिया में सबसे ज्यादा कत्लोगारत के जिम्मेदार खुद अमेरिका है, यही बात पहले थी बरसगीर की तस्वीर से पहले, वो बरतानवी हुकूमत जो दुनिया को इंसानियत का दर्श दे रही है, बरसगीर के मुसलमानों पर उन्होंने इंसानियत सोज मुजालिम किए, वो जुर्दू में एक मुहावरा बोलते हैं ना, दूसरों को नसीहत खुद मियां वसीयत। तो ये था अंग्रेजों का किरदार के इसलाह की कोशिश में तखरीबकार बने हुए थे। आखिरी शेर देखिए जी, हसरत आजाद पर जोरे गुलामाने वतन अजराहे बुग्जो अताब देखिए कब तक रहे, हसरत आजाद, वो कहते हैं मौलाना हसरत अपना नाम कि वो तो आजाद तब है तुम उनको रोक नहीं सकते, वो आजाद पसंद है, आजादी के लिए कुर्बानी देने को तैयार है, जोर जुल्म सितम को कहते हैं, जोरे गुलामाने वतन यानी वक्त के गुलाम जो उन पर जुल्म सितम कर रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प इसके पीछे बात है, ये मौलाना शेर उस वक्त कहा जब जेल में थे, उनको चक्की की मुशक्कत पे लगा दिया गया, चक्की पीसे होता ही ये था, मौलाना जेल में भी अशआर कहते थे अंग्रेज हुक्मरानों के खिलाफ, मुसलमानों में आज़ादी की उमंग पैदा करने के लिए। उन्होंने कहा कि ये शख्स तो बाज नहीं आया, इनसे कागज कलम छीन लिया गया और इनको चक्की की मुशक्कत पर लगा दिया गया, चक्की एक पत्थर का पार्ट था जिसको ये घुमा के आटा पीसा जाता था, कि ये चक्की पीसेंगे मुशक्कत करेंगे तो शायरी से बाज रहेंगे, लेकिन मौलाना चक्की भी पीसते थे साथ साथ सियासी गजलें भी कहते थे, बाज नहीं आते थे। फिर इन पर सख्ती को बढ़ा दिया गया, और इसमें एक पहलू में भी आएगा, जेल के सारे अफसरान हिंदू थे, वो अंग्रेजों को खुश करने के लिए, वो हिंदू जेल हुकाम अंग्रेजों को खुश करने के लिए आप पे ज्यादा सख्ती करते थे ताकि हम अंग्रेजों की नजरों में मोतबर हो जाए। तो मौलाना उनको कह रहे हैं गुलामाने वतन, कि वो जो गुलाम है वतन मुझ पर जुल्म सितम कर रहे हैं हसरत आजाद पर, वो जुल्म क्यों कर रहे हैं, हुक्मरानों को खुश करने के लिए, ये वक्त के गुलाम है, यानी वो उनको चाहिए, मौलाना कहते हैं उन हिंदुओं को चाहिए था कि मेरा साथ देते आजादी की तहरीक में, लेकिन मेरा साथ नहीं दे रहे, वो हुक्मरान वक्त को खुश कर रहे हैं मुझ पे जुल्म सितम करके। तो अब इस मंजर को समझिए तो आपको समझ आएगा, हसरत आजाद पर
जोरे गुलामाने वतन अजरा है बुग्ज़ो अताप, अजरा बुराई ना बराए मेहरबानी, अजरा ही मेहरबानी की बात है। बुग्ज़ होता है दिल में किसी के खिलाफ नफरत रखना, कीना रखना। अताप कहते हैं गुस्से को कि देखिए ये बुग्ज कब तक रहेगा, ये गुस्सा कब तक रहेगा और कब तक इब्न अल वक्त लोग अंग्रेजों की गुलामी करते रहेंगे। मैंने भी आपसे इसकी चंद रुपयों के बस 20 रुपए 30 रुपए मवार तनख्वाह मिलती थी उनको और उसके बस वो अंग्रेजों की खुशामद पे खुशामद किए चले जाते थे। अंग्रेज वो तनख्वाह कहां से देता था, ये भी बड़ी दिलचस्प बात। अगर अंग्रेज बरतानिया से मुलाजम लेके आता है तो उनको ज्यादा पैसे देने पड़ते थे। हमारे ही वसाइल लूटकर हमारे ही पैसों से यहां उनको कम पैसों पे मुलाजम मिल जाते थे जो उनके अच्छे नौकर साबित होते थे, उनके अच्छे खिदमतगार साबित होते थे। बजाय बरतानिये से लाए जाए चंद टोकों के उवज अंग्रेजों को, यही बदकिस्मती देखे हिंदुस्तान से ही हिंदू मुसलमान सभी शामिल थे, वफादार यहीं से मिले, उनको चंद टकों के अवज क्लर्क यहीं से ही मिल जाते थे। तो मौलाना उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि बजाय इसके के आजादी के लिए मेरा साथ दिया जाता, गुलामाने वतन हुक्मरानों को खुश करने के लिए अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। लेकिन मैंने भी आपसे बार बार अर्ज कर रहा हूं, मौलाना ने जेल की सख्तियां बर्दाश्त की, कैद व मुशक्कत बर्दाश्त की, लेकिन अपने फर्ज को नहीं भूले। कौम को सियासी रहनुमा के तौर पर शायरी के जरिए मुसलसल बेदार करने की कोशिश करते रहे। मफहूम देखिए, अब देखना यह है कि आजाद पसंद हसरत पर कब तक इब्नुल वक्त किस्म के लोगों का जुल्म व सितम जारी रहेगा। अशार देखिए सेम उसी सेंस में उसी मफहूम में, सारे इब्नुल वक्त जमाना साज मुखालिफ है मेरे, सारे इब्नुल वक्त जमाना साज मुखालिफ है मेरे, एक दिए पर छट रही है जुल्मत चारों जानब से। अब देखिए दिए पर रोशनी उसके चारों तरफ अंधेरा होता है, उस तरफ खूबसूरत शेर मौलाना हसरत मोहनी का अपना शेर जो इनकी फितरत की अकासी भी करता है, इनके सोच की अकासी भी करता है, इनके मिशन को भी बताता है। कहते हैं मश्के सुखन जारी, मश्के सुखन शायरी करना है, मश्के सुखन जारी चक्की की मुशक्कत, भी आपको बताया इनसे चक्की पिसवाई जाती थी, है मश्के सुखन जारी चक्की की मुशक्कत भी, एक तरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। ये कैसा अजीब आदमी है, तरफा कि चक्की भी पीस रहा है, जुल्म का शिकार भी है, सख्ती भी बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन बोलने से फिर भी बाज नहीं आ रहा। तो अजीज तुलबा रहनमा वही होता है जो अपनी जिंदगी को मुश्किल में डालता है, आसानी में नहीं डालता, लेकिन कौम की फिक्री और अमली रहनमाई करता है। मौलाना हसरत मोहानी उन्हीं में से थे। आप इनकी दूसरी गजल देख रहे हैं, कौम की फिक्री रहनमाई कर रहे हैं, सियासी रहनमाई कर रहे हैं और इसके लिए सख्तियां भी बर्दाश्त कर रहे हैं। इसके बाद अगली दो गजलें फैज अहमद फैज साहब की आप पहले देख चुके, उसमें भी यही बात है कि वो कौम की सियासी बेदारी की कोशिश कर रहे हैं। तो जिन में रखिएगा हसरत मोहानी की दूसरी गजल और आगे फैज अहमद फैज साहब की दोनों गजलें, ये एक ही पस मंजर में है, ये रहनमा है आजादी के, ये जुल्म के खिलाफ ललकारते हैं, खुद जुल्म बर्दाश्त करते हैं लेकिन कौम को उभारते हैं कि जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखे। कोशिश देखिए, नाम से कानून के होते रहे क्या क्या सितम, अंग्रेजी कानून था बजायर लेकिन दरअसल मुसलमानों को गिरफ्तार किया जाता था उस कानून के जरिए। नाम से कानून के होते रहे क्या क्या सितम, जबर बाजेरे नकाब देखिए कब तक। इसी गजल जो आप पढ़े हैं, कौशेर यानी छुपा हुआ जेरे नकाब, नाम से कानून के होते रहे क्या क्या सितम, जबर बाजेरे नकाब देखिए कब तक रहे। अजीज तुलबा ये थी मौलाना हसरत मोहानी की दूसरी गजल। मैं मुख्तसर सा दोबारा दोहरा दूं, आपकी पहली गजल इश्क मजाजी में है, दूसरी गजल जो भी आपने देखी ये सियासी रंग लिए हुए है, मौलाना सियासी रहनमा है, वो कौम को ख्वाबे गफलत से जगाने की कामयाब कोशिश कर रहे हैं, उनमें आज़ादी का जज्बा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। वो कौम को कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे हैं, बामकसद शायरी, इस्लाही शायरी और कामयाब शायरी। यकीनन आप उन चंद रहनुमाओं में से थे, सियासी रहनुमाओं में मौलाना जफर अली खान है जो शायर भी हैं, मौलाना जफर अली खान है, हज़रत अल्लामा इकबाल है, ये वो अजीम शायर है जिन्होंने शायरी से सभी कौम को जगाया, उनमें आजादी का वलवला और उमंग पैदा की जिसके नतीजे में कौम ख्वाबे गफलत से जागी और फिर बड़े सगीर के मुसलमानों ने दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत हासिल कर ली। अजीज तलबा ये थी दूसरी गजल, उम्मीद है
आपको पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत सी मुफीद मालूमात होंगी। यकीनन आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं, नहीं किया अगर आप नए विजिटर हैं, हमारे चैनल CMM लेक्चर्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इल्म का रोशनी, ताकि आगे से आगे बढ़ती रहे, नूर बढ़ता रहे। इस मिशन में हमारा साथ दीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।